अब अपना आशियाना बनाना और भी आसान हो गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख तक की सालाना आय वालों को होम लोन पर अपना पहला घर खरीदने पर सरकार ने सब्सिडी देने का फैसला किया है। नए साल पर पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम आवास योजना की घोषणा की थी। पीएम ने तब इस योजना में केवल 6 लाख रुपए की सालाना आमदनी वालों को शामिल किया था, लेकिन अब इस योजना में 18 लाख तक की सालाना आय वाले लोगों को भी शामिल किया गया है। सरकार ने आय के आधार पर सब्सिडी की अलग अलग दरें तय की हैं। दरअसल रियल एस्टेट मार्केट में तेजी लाने के लिए सरकार ने अपना घर का सपना देख रहे लोगों के लिए इस योजना की घोषणा की है, जिसके तहत 2022 तक सभी को पक्का मकान देने का लक्ष्य पूरा करने के लिए सब्सिडी के 2 स्लैब्स बनाए गए हैं। दोनों स्लैब्स मौजूदा 15 साल की जगह अब 20 साल की अवधि तक के आवास ऋणों पर लागू होंगे। अगर आपकी वार्षिक आय 6 लाख रुपए से कम है तो 6 लाख रुपए तक के लोन के ब्याज पर 6.5% की दर से सब्सिडी दी जाएगी। ध्यान रहे कि आपके लोन की राशि कितनी भी हो, सब्सिडी 6 लाख रुपए तक के मूलधन पर ही मिलेगी, इससे ज्यादा की रकम पर नहीं। अगर आपने 9% की ब्याज दर पर 20 लाख रुपए होम लोन लिया है तो आपको 6 लाख रुपए सिर्फ 2.5% की दर से ब्याज देना होगा, बाकी 14 लाख रुपए पर 9% का ही ब्याज चुकाना होगा। इसके साथ ही होम लोन के ब्याज पर मिल रही यह सब्सिडी इनकम टैक्स में छूट के अलावा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिस तरह से गरीब और मध्यम परिवारों को होम लोन पर सब्सिडी दी जाएगी, उससे साफ है कि 2022 तक सभी को पक्का घर देने का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार की कोशिशें जारी हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।